अगर आप बैंकॉक में हैं और वेजिटेरियन पिज्जा ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्वेता और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक इटालियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है गोविंदा और वो बैंकॉक का एकमात्र शाकाहारी इटालियन रेस्टोरेंट है। यहाँ आपको बिल्कुल 100% वेजिटेरियन खाना मिलता है और यही नहीं, अगर आप वीगन हैं, मतलब अगर आप दूध से बनी चीजें तक नहीं खाते, तो यहाँ बिना दूध की चीज और मीट के वेजिटेरियन ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। सबसे पहले मैंने ट्राई किया यहाँ का ब्रेड प्लेटर। इनकी ब्रेड ये खुद बनाते हैं और ये हल्की सी टोस्ट की गई ब्रेड सर्व होती है लाल मिर्च की पेस्ट के साथ और ये टमाटर के पीसेस के साथ। पहले मैंने ब्रेड ट्राई करी इस लाल चटनी के साथ और ये एक्चुअली बिल्कुल थोड़ी सी लगानी होती है, पर मैंने बहुत ज्यादा लगा दी तो ये काफी तीखी लग गई। इसमें तेज लाल मिर्च और लहसुन का टेस्ट है। फिर मैंने ट्राई किया ये टमाटर जिसमें बेजिल या तुलसी के छोटे छोटे टुकड़े हैं और इसे ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स किया गया है। ये और ब्रेड इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन लगता है। फिर मैंने ट्राई किया गोविंदा स्पेशल सैलेड और इनके सैलेड की प्लेट देखिए इतनी बड़ी है। सबसे पहले मेरी नजर पड़ी इस आलू पर। अगर सैलेड में आलू दिख जाए तो फिर क्या बात है। अगर आप भी मेरी तरह आलू लवर है तो कमेंट में हाई फाई जरूर लिखिए। आलू के अलावा भी ढेर सारे वेजीज है इसमें, टमाटर, एवोकाडो, पालक, लेटिस, ककड़ी, गाजर और ये वेजिटेरियन मोजरेला चीज। सैलेड के साथ ये ड्रेसिंग मिलती है और ये है ऑलिव ऑयल जिसमें गार्लिक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। इस सैलेड में जो पालक है वो स्टीम की गई है और बाकी की सब्जियां कच्ची है तो बहुत बढ़िया टेक्सचर आ रहा है। लेटिस और गाजर का करारापन, टमाटर का फ्लेवर और चीज की हल्की हल्की क्रीमीनेस आती है सैलेड में। नेक्स्ट मैंने ट्राई की यहाँ की रेवियोली जो एक्चुअली गोविंदा रेस्टोरेंट की सबसे फेमस डिश है। रेवियोली को आप एक स्टफ्ड पास्ता कह सकते हैं। इसमें अंदर पालक और दूसरे वेजिटेबल्स की फिलिंग होती है और इसे ग्रेवी के साथ खाते हैं। ये ग्रेवी पिंक सॉस ग्रेवी कहलाती है क्योंकि इससे लाल वाली टमाटर ग्रेवी और चीज सॉस को मिक्स करके बनाया गया है और इसका जो फ्लेवर था वो मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा क्रीमी और टेस्टी। और ये खाने के बाद मैं बिल्कुल ये मान सकती हूँ कि यहाँ की ये सबसे पॉपुलर डिश है क्योंकि ये इतनी ज्यादा डिलिशियस है। फिर मैंने खाया पिज्जा। पिज्जा में कई बार जो चीज यूज होती है वो वेजिटेरियन नहीं होती, पर यहाँ ये चीज वेजिटेरियन है और आपको इसका वीगन ऑप्शन भी मिल सकता है। पिज्जा बहुत टेस्टी है, इसका बेस परफेक्ट, ना ज्यादा क्रिस्पी ना ज्यादा नरम। इस पिज्जा के सॉस का फ्लेवर बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इतनी ज्यादा चीज डालने के बाद भी वो टमाटर का हल्का खट्टापन आता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। लास्ट में आई डिजर्ट की बारी। ये भी बिना अंडा और पूरी तरह से वेजिटेरियन। ये है पैनाकोटा और ये बहुत फेमस इटालियन डिश है और इसे फ्रेश क्रीम और दूध से बनाते हैं। वैसे इसमें जेलेटिन भी डालते हैं जो इसे एकदम नरम और हल्का बनाता है, पर यहाँ इसमें कोई जेलेटिन नहीं है, फिर भी इसका टेक्सचर एकदम मुंह में अंदर जाते गायब हो जाने वाला है। इसके ऊपर हर्शीज का इतना सारा चॉकलेट सिरप है और ये वाकई बहुत ज्यादा मजेदार डिजर्ट था। तो ये था वेजिटेरियन इटालियन खाना गोविंदा रेस्टोरेंट में जो बैंकॉक में है। अगर आप बैंकॉक शहर में आए तो ये रेस्टोरेंट जरूर ट्राई करें। मैंने इसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे डाल दिया है तो आने के पहले चेक जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो शुगर स्पाइसनेस इंडिया चैनल जरूर देखें और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।